Assalamu alaikum dear viewers, 7th class के English में हमने sympathy का first part पढ़ा. बच्चों इसमें देखा आपने कि जो चार्ल्स मैके है वो बोलता है कि मैं यानी कि आर्थर जो वाइट है वो जो उसका पहला पार्ट था उसमें हमने देखा कि जब वाइट को एक दफ़ा परेशानी थी वो सौर में था, डिप्रेस्ड था, डिस्ट्रेस्ड था और बड़े ग्रीफ में था. वो वहाँ से एक पैसा वाला आदमी गुजरा तो उसने क्या किया, उसने उससे कुछ पैसे दे दिए, कुछ सोना दे दिया, कुछ गोल्ड दे दिया, लेकिन हमदर्दी की एक बात भी नहीं की, प्यार में कोई बात नहीं की, कोई खुलूस वाली, कोई अच्छी वाली बात नहीं की. तो शायर कहता है, जब मैं ठीक हुआ इस दर्द से, इस गम से मैं निकला, इस परेशानी से जब मैं निकला तो मैं गया, उसका वो कर्ज था उसको मैंने चुकाया. आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही हैड टेकन लोन फ्रॉम हिम द गोल्ड एंड आई गिव हिम इट बैक. और मैं उसको सब कुछ वापस करके उसको मैंने थैंक्स बोला. तो अब देखते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है वहाँ क्या होता है. ये वाला पार्ट हमने आज पढ़ना है. आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पैन ए पोम एंड पॉस इट माई वे ही बाउंड माई हेड ही गिव मी ब्रेड ही वॉच मी नाइट एंड डे हाउ शैल आई पे हिम बैक अगैन फॉर ऑल ही डिड टू मी ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेट एंड फॉर इज ही ओनली सिंपैथी. तो शायर कहता है कुछ बच्चों कुछ नए वर्ड्स हैं. चैरिटी है फॉर एग्जाम्पल, चैरिटी है इसमें, चैरिटी होता है वो पैसा जो गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गरीबों की मदद की जाती है, मुहताजों, मस्किनों और जो मददगार के मदद के जो तलबगार होते हैं उनको जब चैरिटी पे पैसा दिया जाता है उसको हम चैरिटी कहते हैं. मनी फूड और हेल्प गिवन टू द पुअर इल और नीडी. वो पैसा या वो खुराक या वही कोई जो हेल्प है जो किसी गरीब या बीमार या कोई जो मोहताज हो, ज़रूरतमंद, उसको जब दिया जाता है उसको हम चैरिटी कहते हैं. तो नेक्स्ट वर्ड जो है सारो. जब इंसान बहुत परेशान होता है, वो सैडनेस फीलिंग करता है तो उसको हम सारो बोलते हैं. गमगीन होता है, परेशान होता है, मायूस होता है. अ फीलिंग फीलिंग ऑफ ग्रेट सैरो फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस. चलो हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो ये जो अथर है, शायर है चार्ल्स मैके, कहता है एक बार फिर मैं जब परेशान हुआ, एक बार फिर मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी माली हालत ख़राब हो गई, या मैं बीमार हो गया, मैं पैन में था, दर्द में मुब्तला था, तो वहाँ से एक आदमी गुजरा. लेकिन ये आदमी इस टाइम पैसा वाला आदमी नहीं था, वो गरीब आदमी था, मुफलिस आदमी था. वो वहाँ से गुजरा, उसने क्या किया, ही बाउंड माई हेड ही गेव मी ब्रेड ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे. उसने क्या किया, उसने मेरे साथ इतनी हमदर्दी की, उसने मुझे तो पैसा नहीं दिया लेकिन मेरा सर दबाया, मुझे मतलब मेरे साथ ऐसी बात की कि मेरा जो सारा दर्द था, पैन था, वो चला गया. उसने मेरे साथ हमदर्दी जताई, मेरा सर दबाया, मुझे खाना खिलाया और मेरी देखभाल की, दिन रात मेरी देखभाल की, मेरी अच्छी सी खातिरदारी की. तो मुझे इससे लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया. तो अब मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, मैं अब में कन्फ्यूज़न में था कि जो पहला आदमी आया था जिसने मुझे पैसे से मदद किया था, गोल्डन से मदद किया था, तो मैं जाकर मैं जब ठीक हुआ मैंने उसको दे दिया, वो वापस चुका दिया वो कर्ज़ा. लेकिन अब इस आदमी का जो कर्ज़ा, मुझ पे जो एहसान है, मुझ पे जो उबलिच है, वो कैसे मैं चुकाऊँ, वो कैसे रिटर्न मैं करूँ.
तो मेरे पास कन्फ्यूजन है कि ये तो पैसे वाला बात नहीं है कि मैं पैसे देकर उससे कर्जा चुका हूँ, वो तो बात है नहीं। अब मैं कन्फ्यूजन हूँ। तो आखिरकार आखिर पे इवेंचुअली ये कहता है कि जो पॉइंट है इज नाउ इन कन्फ्यूजन हाउ टू पे हिम बैक। और पॉइंट एंड में कहता है कि जो गोल्ड है, गोल्ड तो ग्रेट है, लेकिन जो सिंपैथी है, जो हेवनली सिंपैथी है, जो ऊपर वाले की तरफ से सिंपैथी है किसी इंसान के दिल में, वो दूसरे के लिए जो दर्द होता है वो बहुत बड़ा चीज़ है, वो सोने से भी बढ़कर है, वो चांदी से, दौलत से, सोने मतलब जो पैसा होते उससे भी बढ़कर है। वो क्या है? वो हेवनली सिंपैथी है, वो सिंपैथी जो मतलब इटर्नल है, लाजवाब है, जिसका हम बदला यहाँ भी नहीं चुका सकते और हिराफ्टर भी नहीं चुका सकते हैं। तो बच्चों इस ये जो पोएम है इसमें हमारे लिए एक सबक है, एक मैसेज है, जिस तरह आप इसको मतलब परसीव कर सकते हैं कि जब भी कोई आदमी परेशान हो तो उसके साथ नरम दिली से पेश आना चाहे, उसके साथ हमदर्दी करनी चाहे, उसको ऐसे समझाया जाए, बड़ी प्यार वाली ज़बान में समझाना चाहे, प्यार वाली ज़बान में उससे बात करनी चाहे, ताकि उसको ये एहसास हो कि वो जो मतलब उसका जो गम है वो हाफ हो जाए शेयर करने से या उसके साथ हमदर्दी करने से। बच्चों उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए कल करके आज, खुदा हाफिज़।